बच्चों, हमने कल पाठ पढ़ा था चिड़िया की बच्ची। तो चलिए आज इस पाठ के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है इसमें कि किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था। तो किन बातों से हमें ऐसा पता चलता है? हमने देखा कि माधवदास के बाद पाठ जब पढ़ा कि माधवदास के पास बहुत बड़ी कोठी है, सुंदर बगीचा है, रहने का ठाट बाट जो है उसका रहीशों जैसा है, बहुत सारे नौकर चाकर हैं, और चिड़िया से जो उसकी बातचीत हुई उसमें उसने कहा कि तेरा पिंजरा मैं सोने का बनवा दूंगा और मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। इसके अलावा वो स्वयं ये भी कहता है कि उसके पास कई तरह की कोठियाँ हैं, कई तरह के बगीचे हैं, बहुत सारे नौकर चाकर हैं। तो इन्हीं सब बातों से हमें क्या पता चलता है? क्योंकि इतनी सब चीज़ें तो किसी रईस आदमी के पास ही होती हैं, तो उसकी इन्हीं बातों से हमें ये पता चलता है कि उसका जो जीवन था वो संपन्नता से भरा हुआ था, यानी कि उसके पास पैसे और दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसी के साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि वो सुखी भी नहीं था। तो वो हमें किन बातों से पता चलता है? वो उसके अकेलेपन से, जैसा कि वो कहता है कि उसके घर में कोई भी उसका मन लगाने वाला नहीं है, है ना, और वो इस चिड़िया को मजबूर करता है इस बात के लिए कि वो उसके अकेलेपन को दूर करे, उसी के घर में रहे, उसी के पास रहे, अपनी माँ के पास ना जाए। वो ये बात भी दिखाने की कोशिश करता है कि वो सारी सुविधाओं के बाद भी सुखी नहीं है, क्योंकि उसके घर में कोई भी ऐसा नहीं था कि जो उसके घर में उसका मन लगा सके, उसका अकेलापन दूर कर सके। तो इसीलिए वो इस चिड़िया के पास चिड़िया से जिद करता है कि वो उसके घर में रहे, ताकि वो ची ची करके उसके घर को, उसके घर का जो सूनापन है उसको ख़त्म कर दे और उसका उस चिड़िया को देख करके मन लगता रहे, क्योंकि वो चिड़िया बहुत सुंदर थी। तो इन्हीं बातों से हमें पता चलता है कि जो माधवदास था वो रईस भी था लेकिन वो सुखी भी नहीं था। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। यानी वो जो माधवदास बार बार चिड़िया से ये कह रहा था कि तुम यहीं रहो, तुम्हारा बगीचा है ये, तुम इसे अपना समझो, तो क्या उसमें उसका कोई अपना स्वार्थ था, अपना हित था या नहीं, ये हमें इसमें बताना है। तो माधवदास चिड़िया से बार बार इसलिए कहता है क्योंकि इसे चिड़िया बहुत सुंदर और प्यारी लगी, है ना, जैसा उसने उसमें वर्णन भी किया है पाठ में कि उसके पंख बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर सुंदर कलर है उसके पंखों में, बहुत चमकीले हैं, उसकी आवाज़ बहुत मधुर है, वो बहुत फुर्तीली है, है ना। तो वह चाहता था कि वह चिड़िया हमेशा के लिए उसी के बगीचे में रह जाए, और यही एक कारण था कि वो बार बार इस बात को दोहराता था कि ये बगीचा तुम्हारा ही है। लेकिन माधवदास का ऐसा कहना पूरी तरह से निस्वार्थ मन से नहीं था, यानी वो केवल चिड़िया का ही हित नहीं चाहता था, केवल उसके सुख के लिए वो ये सब बातें नहीं कह रहा था, वो तो चिड़िया को अपने महल के पिंजरे में बंद करके रखना चाहता था, जिससे कि जो उसकी सुंदरता है वो उसको जब चाहे जब देख सके, निहार सके, और वो उसकी आवाज़, उसका चहचहाना सुन सके, जो कि उसके महल में जो अकेलापन था, सूनापन था, वो चिड़िया उसको ख़त्म कर सके, और अपने हित के लिए वो उस चिड़िया को उसकी माँ से अलग करने के लिए भी तैयार था, और उसको तरह तरह के प्रलोभन, तरह तरह के लालच वो उसको देता है, और वो यहाँ पर ये कार्य सिर्फ अपने हित के लिए करता है, स्वार्थ भाव से। वो केवल अपने सुख के बारे में, अपनी खुशी के बारे में सोच रहा था, ना कि चिड़िया की। प्रश्न तीन देखिए कि माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक नहीं था। तो माधवदास और चिड़िया के जो मनोभावों के अंतर थे वो क्या क्या थे, उनको आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो मतलब माधवदास जो था वो बार बार चिड़िया को सोने के पिंजरे में रहने का, उसको सारी सुख सुविधाएं देने का लालच देता है ना, लेकिन चिड़िया
वो इन बातों को नहीं समझती, वो क्या कहती है, मुझे नहीं पता सोना क्या है, मुझे नहीं पता नौकर चाकर क्या है, मैं नहीं जानती, और मुझे तो केवल अपनी माँ से प्यार है और उसे तो केवल अपनी आज़ादी से प्यार था, है ना। वो अपनी आज़ादी को छोड़कर क्या सोने के पिंजरे में रहना पसंद करेगी, उसे माधवदास के सुंदर बगीचे में भी रहना पसंद नहीं था, वह अपने परिवार से भी अलग नहीं होना चाहती थी, है ना। उसने क्या कहा कि मैं किसको जानती हूँ, मैं केवल सूरज को जानती हूँ, मैं केवल हवा को जानती हूँ, मैं अपने भाई को जानती हूँ और अपनी माँ को जानती हूँ, और मुझे नहीं पता कि कौन सेठ है या कौन दौलतमंद है या किसके पास कितना सोना है या सोना क्या होता है, मुझे इन सब बातों का कुछ नहीं पता और ना ही मुझे ये सब कुछ चाहिए, है ना। और शाम होते ही उसे अपने माँ के पास जाने की जल्दी होती है, वो कहती है मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी, और मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है और मैं भी अपनी माँ को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और मैं तो केवल घूमने के लिए यहाँ पर आ गई थी, है ना। वो तो केवल अपने पंखों को खोलने के लिए, थोड़ा सा वो उड़ना सीख रही थी, तो इसलिए वो उस बगीचे में आकर बैठ गई थी, लेकिन वो वहाँ उसके पिंजरे में, सोने के पिंजरे में बंद रहकर थोड़ी पर रहना पसंद करेगी। और लेकिन जो माधवदास था, वो जो था दूसरी तरफ, माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद, जो वो जिद कर रही थी कि मैं अपने माँ के पास जाऊँगी, उस चीज़ का कोई मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा था माधवदास को। वो तो केवल अपने बगीचे की शोभा सुंदरता बढ़ाना चाहता था और उस चिड़िया को पकड़ करके पिंजरे में बंद करना चाहता था, है ना। और वो उसे सोने के पिंजरे का और अन्य इतने सारे सामानों का जो है लालच देता है, कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, लेकिन चिड़िया के लिए वो सब चीज़ें कोई महत्व नहीं रखती थी। अब आप ही बताओ वो उन पैसों का क्या करती, उसे कौन सा बाज़ार से कोई सामान खरीद के लाना है, या उस सोने के पिंजरे का वो क्या करती जिसमें कि वो आज़ादी से अपने पंख भी नहीं फैला सकती। तो उसके लिए इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं था, उसे केवल अपनी माँ प्यारी थी और अपनी आज़ादी। अब एक बात सोचने को सोचो, आप तो फिर भी मनुष्य हो, आपके लिए तो फिर भी धन दौलत पैसे चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व है, और यदि आपको कोई कहने लगे कि आप हमारे घर में चलो, बहुत सुंदर है मेरा घर, बहुत सुंदर तुम्हारा कमरा बना दूंगा, बहुत सारे तुम्हें पैसे दूंगा और खाने पीने की चीज़ें दूंगा, लेकिन अपनी माँ को छोड़ के मेरे साथ चलो, जबकि आपकी माँ के पास इतना सामान नहीं हो आपको देने के लिए, तो क्या आप अपनी माँ को छोड़ कर चले जाओगे? नहीं ना, क्योंकि जो प्यार, जो खुशी, जो आज़ादी हमें अपनी माँ के पास मिलती है, वो हमें कहीं नहीं मिल सकती, और वो किसी भी दौलत से बड़ी नहीं होती। तो कहानी के अंत में नंदी चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40-50 या इससे कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। तो सभी को अच्छा लगा होगा, है ना। ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता था कि वो नौकर उसको पकड़ ले चिड़िया को और पिंजरे में बंद कर दे, तो सभी ये चाहते थे कि वो चिड़िया वहाँ से बाहर निकल जाए। तो वो जो थी, आपको इसे अपने शब्दों में लिखना है कि कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि माधवदास उसे बहुत ज़्यादा लालच देते हैं कि उसके पास रह जाए, पर चिड़िया नहीं मानती, और अंत में वो उसे अपने नौकर से पकड़वाना चाहता है लेकिन चिड़िया भाग जाती है। तो यदि माधवदास चिड़िया को पकड़वाने में सफल हो जाता तो चिड़िया का जो बाकी का जीवन था वो एक कैदी की तरह बीतता, है ना, और उसकी आज़ादी समाप्त हो जाती, उसका परिवार उससे भी छट जाता, उसकी आज़ादी, उसकी हंसी खुशी सब नष्ट हो जाती, और मेरी संवेदना हमेशा चिड़िया के साथ थी, चिड़िया उसे स्वार्थी माधवदास के चंगुल से बच निकलने में सफल हुई। प्रश्न 5 देखिए। माँ मेरी बाट देखती होगी, नन्ही चिड़िया बार बार इस बात को कहती है, आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है। तो ये तो कोई बताने वाली बात है ही नहीं, है ना, सबको पता है कि हमारी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है। माँ हमारे लिए सब कुछ है, हमारी ज़िंदगी में माँ का महत्वपूर्ण स्थान है, माँ हमारे सुख में दुख में हमेशा हमारे साथ रहती है, हमारे माँ हमारे जीवन की सारी परेशानियों को हमसे दूर करने की कोशिश करती है, हमारे सारे दुखों को, सारे कष्टों को वो खुद पर झेल लेना चाहती है,
हमें पाल पोस कर बड़ा करती है, हमें सारी सुख सुविधाएं देती है ना। वो चाहे खुद कम खा ले लेकिन हमेशा हमारा पेट भरना चाहती है ना। दुख की घड़ी हो तो वो हमें हिम्मत बंधाती है। माँ का जो प्रेम है, जो उसका आशीर्वाद है, वो बच्चे की हर सफलता में योगदान देता है। बिना माँ के प्यार और आशीर्वाद के कोई भी बच्चा सफल नहीं हो सकता। तो हम जो है अपनी माँ का ऋण वो कभी भी नहीं चुका सकते। वो माँ का जो प्यार, वो उसका करना हमारे लिए सब कुछ, वो हमारे ऊपर एक कर्ज की तरह है जो हम कभी भी नहीं उतार सकते, मरते दम तक भी। तो यही कारण है कि जब चिड़िया को माधवदास के घर देर होने लगती है तो वो रह रहकर यही कहती है कि मुझे घर जाना है, मैं अब नहीं आऊँगी यहाँ, और मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है, शाम होने वाली है। क्योंकि शाम होते ही सब अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो हमारे पास आ जाएं। आप लोग भी बाहर खेलने जाते होंगे तो जैसे ही दिन छिपता है तो आपकी माँ भी आपका इंतज़ार करती होंगी, और आप लेट हो जाते होंगे तो वो आपको आवाज़ लगाने भी आती होंगी, है ना, कि घर आ जाइए, बहुत देर हो गई, खाना खा लीजिए। तो ऐसे ही सबकी माँ उनको प्यार करती हैं। आप देखिए, प्रश्न 6 है, इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों? मतलब इस कहानी का शीर्षक क्या था, आपने पढ़ा था ना, बताइए क्या था, याद करो। हाँ, चिड़िया की बच्ची। तो अगर आपको कहा जाए कि आप इसको कोई और शीर्षक दीजिए, यानी इस पाठ का कोई और नाम रखिए, तो आप क्या क्या रखेंगे? जैसे नन्ही चिड़िया, क्योंकि वो छोटी सी चिड़िया थी, या सुंदर चिड़िया, फुर्तीली चिड़िया, तो उसका जो स्वभाव था वो बहुत घूमना ही जानती थी। जब माधवदास का नौकर उसे पकड़ने लगता है तो बहुत डर जाती है, वह इतनी तेज़ी से उड़ती है कि सीधा अपनी माँ की गोद में आकर रुकी है ना, और अपनी माँ के सीने से वो चिपक कर सो जाती है। तो वह छोटे बच्चे की तरह ही डर जाती है, और बच्चा भी अपनी माँ की गोद में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। तो वैसा ही नन्ही चिड़िया ने भी किया है ना। आप भी जब डर जाते होगे तो एकदम से अपनी माँ से चिपट जाते होगे ना, ऐसे ही होता है ना। तो हर बच्चा अपनी माँ की गोद में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, तो ऐसे ही वो नन्ही चिड़िया भी अपनी माँ की गोद में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी। तो बच्चों, आज हमने जाने आपके पाठ 9 चिड़िया की बच्ची के प्रश्नोत्तर। तो मैं आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गए होंगे, कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, और आपको ये प्रश्नोत्तर याद भी हो गए होंगे। धन्यवाद।